अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर पे चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर की डेफिनेशन देखी थी और साथ हमने कॉसेस पढ़े थे हार्ड वाटर के कि हार्ड वाटर क्यों पैदा होता है, क्यों बन जाता है, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। हमने वहाँ पर यह पढ़ा था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है। ए वाटर विच प्रोड्यूस गुड लेदर विद सोप इज कॉल्ड एज ए, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर कहते हैं। वाइल ए वाटर विच डस नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम हार्ड वाटर कहते थे। एक ऐसा वाटर जो साबुन के साथ अच्छी झाग बनाए उसको हमने सॉफ्ट वाटर कहा था, और एक ऐसा वाटर जो साबुन के साथ अच्छी झाग नहीं बनाता उसको हमने हार्ड वाटर का नाम दिया था। उसके बाद हमने कॉसेस पढ़े थे कि जब ये बारिश का पानी फ़िज़ा में से गुजरता है तो वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला ये पानी जब मिट्टी की तहों से गुजरता है तो वहाँ से ये कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर हार्डनेस पैदा हो जाती है। आज हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की हमने यहाँ पे आज हम टाइप्स देखेंगे। हार्ड वाटर की टू टाइप्स हैं, टेम्परेरी हार्ड वाटर और दूसरा कौन सा है, परमानेंट हार्ड वाटर। इसको आप टेम्परेरी हार्डनेस भी कह सकते हैं, परमानेंट आप इसको हार्डनेस भी कह सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है, किस वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर मौजूद हों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अगर वाटर के अंदर मौजूद हों तो वो टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं। ये देखें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर ये वाटर के अंदर प्रेजेंट हों तो ये टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से होते हैं। यानी कि अगर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इनमें से कोई वाटर के अंदर हो तो ये परमानेंट हार्डनेस का ये बायस बनते हैं। दोबारा ज़रा सुने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट ये परमानेंट हार्डनेस का ये बायस बनते हैं। यहाँ पर मैंने इनके नाम भी लिखे हुए हैं, आगे इनके फार्मूले भी लिखे हुए हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस। इस तरह नीचे देखें, परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, नीचे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये जो नीचे वाले केमिकल हैं, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये परमानेंट हार्डनेस का बायस बनते हैं, जबकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनते हैं। अब एक और चीज़ देखें, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर है। सॉफ्ट वाटर को अगर आप BSc करवा देते हैं, अगर आपको नहीं याद रहता, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सॉफ्ट वाटर को अगर आप BSc करवा देते हैं तो ये हार्ड वाटर में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे बी से मुराद क्या है, बाइकार्बोनेट। बी से मुराद क्या है, बाइकार्बोनेट। इस तरह एस से यहाँ पे मुराद क्या है, सल्फेट। और यहाँ पे सी, यहाँ पे हमने क्लोराइड के लिए लिखा है। सी किसके लिए लिखा है, क्लोराइड। बी बाइकार्बोनेट, एस सल्फेट, सी क्लोराइड। ये किसके हैं, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, कैल्शियम या मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड ये सॉफ्ट वाटर को ये हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनमें से देखें, अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हों तो ये टेम्परेरी हार्डनेस का बायस बनेंगे, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट हों तो ये परमानेंट हार्डनेस का बायस बनेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि आप ये हार्डनेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।